हाय फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको गाड़ी के इंजन की लाइफ को कैसे अच्छा रख सकते हैं और इंजन में जो खराबी आती है वो एक मुख्य कारण, बहुत सारे कारणों में से एक कारण है, उसके सामने आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप देखेंगे तो मेरे सामने एक एयर फिल्टर है, एक एयर फिल्टर है जो कि आप सबने, सभी टेक्नीशियंस भाई ने, सभी कस्टमर ने देखा होगा, साफ भी किया होगा। और ये एयर फिल्टर गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा है। अभी एयर फिल्टर गाड़ी के अंदर फिट होने के बाद भी गंदा क्यों है, कभी सोचा आप लोगों ने? इसका एक कारण है, वो कारण मैं आपसे शेयर करूँगा। और ये एयर फिल्टर आपके इंजन की लाइफ को बढ़ाने में कितनी मदद करता है, उसको इंजन को कैसे बचाता है, वो भी आपसे शेयर करूँगा। और इसकी जो मेंटेनेंस टिप्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। एक गंदा एयर फिल्टर समय पे ना बदलने से इंजन की लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन साथ में मेरे पास एक बॉक्स और है जो कि पियाजो ओरिजिनल पार्ट, POP का पार्ट है, डब्बे की पैकिंग में है, इसमें इसका टैग, प्राइस लिस्ट सब कुछ दिया गया आपके सामने है, जैसा मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया था। चलिए इसे खोलते हैं। मैंने इसकी जो ये सील थी, टेप थी आपके सामने, इसको मैंने पहले हटा दिया था ताकि वीडियो बनाते हमें दिक्कत ना आए। अब मैं इसको फिल्टर को इसमें से बाहर निकाल रहा हूँ ताकि समय बच जाए। देखिए, एक नए फिल्टर की हालत, कंडीशन ऐसी होती है, देखें क्या चमचमाता हुआ फिल्टर है, साफ सुथरा। इसकी कार्टेज देखिए अंदर की, ऊपर से देखिए कहीं कोई डस्ट, मिट्टी, धूल नहीं है, चमक रहा है। और एक ये यूज़ फिल्टर है। अब दोनों फिल्टर्स में फ़र्क क्या है? ये फिल्टर नया है, ये फिल्टर गंदा है। इस फिल्टर को गाड़ी में से निकाला गया है और इसने जितनी भी वातावरण की धूल मिट्टी या कच्ची पक्की गांव की सड़कों पर गाड़ी चलने के बाद जो इसने डस्ट को खींचा, उसको यहाँ रोक लिया, उसकी वजह से गंदा हो गया। अब ये एयर फिल्टर क्या काम करता है दोस्तों? जैसे हम लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही इंजन के अंदर कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन और डीजल, दो चीज़ों की, फ्यूल, कोई भी फ्यूल, डीजल या CNG या पेट्रोल प्लस ऑक्सीजन, उसकी जरूरत पड़ती है। बिना ऑक्सीजन के आपका जो गाड़ी का इंजन है वो नहीं चलेगा। तो जब गाड़ी के अंदर आप घर में भी नोट करते होंगे कि जब पंखा है, पंखा चलता है, उस पर डस्ट आ जाती है, घर की खिड़कियों पे, आप अपनी गाड़ी बाहर सड़क पे पार्क करेंगे या अंदर कहीं रखेंगे, कोई भी सामान हो उस पर डस्ट आ जाएगी, धूल मिट्टी उस पर आ जाती है। आप कभी ऐसे करेंगे तो आपको वहाँ पे मिट्टी दिखाई देगी, ठीक है? तो ये फिल्टर उस वातावरण की जो में डस्ट होती है, धूल के कण होते हैं, कोई गाड़ी गाँव की सड़कों पर चल रही है, रोड्स पर चल रही है, उन गाड़ियों, वो जो कच्ची पक्की सड़क से धूल उड़ती है, आपने देखा होगा सड़क के किनारे धूल पड़ी होती है, वो सारी की सारी वो धूल को ये फिल्टर रोकता है और उसके बाद उसकी हालत ऐसी हो जाती है। ये सोचिए, यदि फिल्टर हमेशा से ऐसा नया रहता हवा खींचने के बाद, तो फिल्टर की जरूरत क्या थी? लेकिन इस फिल्टर ने कितनी सारी मिट्टी अपने अंदर रोक के रखी है। और यदि ये मिट्टी, ये फिल्टर ना होता तो ये मिट्टी कहाँ जाती? सीधा इंजन के अंदर जाती, इंजन के कंबस्शन चैम्बर में जाती, जहाँ पे तेल और हवा का मिश्रण होता है वहाँ से जाती, और नीचे जहाँ हमारा पिस्टन चलता है बैरल के अंदर वहाँ जाती, और उसकी जो बैरल है, बैरल किट है, BP किट है, सिलेंडर है, उसको वो उसका काट देता। ये जैसे आपने देखा होगा कि एक एमरी पेपर होता है, वैसे ही कुछ ही ऐसा काम करता है। डस्ट होती है, जो फाइन डस्ट होती है, वो इंजन के अंदर एंटर करती है जब इंजन सक्शन करता है, ऑक्सीजन अंदर खींचता है, और वो डस्ट अंदर घुसने के बाद धीरे धीरे लोहे के जो पार्ट्स हैं, जो दूसरे कंपोनेंट, उनके साथ रगड़ खाते खाते जो बैरल का साइज़ है, डाया है, उसको खींच देती है, बड़ा करती है, और वो गाड़ी वहाँ से जो रिंग होती है उनका जो कंप्रेशन लीक कर जाता है, और वो नीचे से जो ऑयल वगैरह खाना शुरू करती है, और हमारी गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल की शिकायत आती है। धीरे धीरे वही इंजन ऑयल कंबस्शन से जलना शुरू होता है, हमारी गाड़ी वाइट स्मोक देती है, और कुछ समय बाद वो ऑयल का लेवल धीरे धीरे, क्योंकि वो तो कंबस्शन चैम्बर के अंदर तेल चल रहा है, इंजन ऑयल चल रहा है,
तो धीरे धीरे ऑयल का लेवल कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे कम होगा उसके बाद इंजन सीजर वाली पोजीशन आ जाती है। तो आपने देखा कि एक छोटी सी गलती से, यदि टाइम पर ऑयल इंजन एयर फिल्टर ना बदलने से कितना बड़ा इंजन के ऊपर लॉस पहुंचा और इंजन की जो लाइफ है वो कम हो गई। अब आप खुद सोचिए एक नया फिल्टर कितना चमचमाता हुआ फिल्टर है, साफ़ सुथरा, और वहीं पर एक फिल्टर कितना गंदा है, इसका मतलब इसने कितना मिट्टी को रोका है। बट लेकिन ये कब तक मिट्टी को रोकेगा, इसकी भी एक लिमिट है। क्या आपको लगता है ये फिल्टर भी मिट्टी को और रोक पाएगा? ये अब मिट्टी को नहीं रोक सकता, आप इसे नहीं बदलेंगे, लेकिन ये हवा के बहाव को रोक देगा, हवा का जो फ्लो है, ऑक्सीजन का फ्लो, वो रोक देगा, और आपको इंजन में ताकत की कमी महसूस होगी, क्योंकि सारा कुछ ये साफ़ है, इसमें से सब चीज़ें हवा अच्छे से छन के जा रही है, लेकिन जब ये सारा बाहर से सब फिन्स के पेपर के कार्टेज ब्लॉक हो जाएंगे, देखिए कितना मिट्टी अंदर, देखिए, तो ये हवा को भी नहीं अंदर जाने देगा। इसमें जो छोटे मोटे कण है, बारीक कण, वो धीरे धीरे इंजन के साथ, हवा के साथ इंजन के अंदर जाएंगे, कंबस्टन चैम्बर में जाएंगे, बैरल पिस्टन में जाएंगे, लेकिन ये हवा को भी नहीं जाने देगा। अब जब ये हवा को नहीं जाने देगा तो आपको इंजन के अंदर ताकत की कमी भी महसूस होगी। आप बोलेंगे कि गाड़ी में मुझे ताकत नहीं मिल रही है, पिकअप नहीं मिल रहा, स्पीड नहीं मिल रहा, और आप एक्सलेटर देंगे तो तेल की खपत पड़ेगी, गाड़ी की एवरेज भी कम हो जाएगी। तो ये एक एयर फिल्टर की एक लाइफ होती है, इसको यदि जितना जल्दी आप बदलें, वैसे तो इसको आप 8 से 10 हज़ार किलोमीटर पे इसको किसी भी हालत में बदलना चाहिए, रिकमेंडेशन, लेकिन उससे भी पहले यदि 2000 किलोमीटर पहले बदलते हैं, यदि कंपनी 8-10 हज़ार किलोमीटर बोलती है और आप इसको यदि 8000 बदलते हैं, 7000 किलोमीटर बदलते हैं, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, उसमें उल्टे फ़ायदा है। दूसरी बात, इसके रूटीन मेंटेनेंस कैसे करना है? अब ये गंदा फिल्टर है, अभी इसको, ये एक साफ़ टेबल है आपके सामने, इस साफ़ टेबल पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको आप डेली सुबह गाड़ी में से निकालिए, और डेली या 2 दिन बाद निकालिए, और गाड़ी के किन टायर पे सॉफ्ट जगह पे ऐसे ऐसे रख के मारिए। ये देखिए मैं खाली झाड़ने से कितना मिट्टी इस अंदर झड़ा, ये देखिए कितना मिट्टी निकल गया। सो ये डस्ट इसने अपने अंदर रोक के रखी थी, जो कि किसी इंजन के अंदर नहीं जानी चाहिए थी। ये आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है, ये फिल्टर गाड़ी में से निकाला फिल्टर है, इसकी लाइफ हो गई थी, कस्टमर को समझाया, निकाला, उसके बाद गाड़ी का पिकअप भी अच्छा हो गया और गाड़ी की स्पीड भी बढ़ गई। ये तो पहला तरीका है कि इसको आप ऐसे मार के झाड़ दिए। अभी मैं मिट्टी निकालता हूँ, देखिए आप और मिट्टी देखिए कितनी मिट्टी निकल चुकी है आपके साथ, ये देखिए कितनी मिट्टी निकली। तो आप यदि ये जो फाइन मिट्टी है, ये जो फाइन डस्ट है, ये इंजन के अंदर जाके पूरे सिस्टम को ख़त्म करती है, बैरल पिस्टन को, सबको ख़त्म कर देती है, ठीक है। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप जब इस फिल्टर को, जैसे जब नया फिल्टर आई, जैसे नया फिल्टर है इस हालत के अंदर, इस फिल्टर को, तो इसके अंदर के हिस्से से आपको हवा मारनी है, प्रेशराइज हवा मारनी है, लगभग 2 किलो तक का प्रेशर बहुत रहेगा, 2 किलो बार तक का प्रेशर, 2 किलो या 2 बार तक का प्रेशर वो बहुत रहेगा, और उसके अंदर यहाँ से आप हवा मारिए, बाहर से हवा नहीं मारना है, अंदर से बाहर हवा मारना है, इसको आप पकड़िए और यहाँ से हवा मारिए प्रेशर से, तो ये जो मिट्टी इसने बाहर से अंदर, यहाँ से अंदर खींची है, उसको ये अंदर से बाहर फेंक देगा, साफ़ कर देगा। तो यदि आप ये प्रैक्टिस हर हफ्ते करेंगे, महीने में 4 बार करेंगे, तो ये फ़िल्टर की भी लाइफ बढ़ेगी, प्लस ये जो एयर फिल्टर है ये साफ़ रहेगा, ये चोक नहीं होगा, तो गाड़ी को जो पावर है, पिकअप है, जो उसका ऑक्सीजन है, जो उसका फ्यूल है, ईंधन है, वो उसको बराबर मिलेगा। मैं आपसे दोबारा इस बात को आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस की इम्पोर्टेंस को, फ़िल्टर की इम्पोर्टेंस को समझिए। हमारे बहुत से कस्टमर भाई या अनजाने में, जाने अनजाने में ऐसी गलती करते हैं, वो इस फिल्टर को नहीं बदलते हैं। सोचिए ये साफ़ क्यों और ये गंदा क्यों है, क्योंकि इसने मिट्टी को रोका है, ये आपकी गाड़ी का हवा का चौकीदार है, वॉचमैन है, जो कि गंदगी को अंदर जाने से रोक रहा है। बट लेकिन ये कब तक रोकेगा, एक लिमिट तक रोक सकता ना, ये देखिए इसका कार्टेज फिल्टर के अंदर कितना मिट्टी भरा पड़ा है। तो इसको आप पहले तो रोज़ ऐसे ठक ठक मार के, जैसे मैंने बताया, ऐसे ठक ठक मार के साफ़ कीजिए। यदि आप वैसा नहीं कर पा रहे हैं, वैसा करने के बाद भी, उसके बाद जब भी मौका मिलता है, टायर वाले के पास, हवा वाले के जाइए और इसको अंदर से हवा मारिए, अंदर से बाहर हवा मारनी है। यदि आप अंदर से बाहर हवा मारेंगे, यहाँ से बाहर हवा देंगे, तो ये सारी मिट्टी बाहर निकल जाएगी।
क्योंकि ये हवा यहाँ से खींचता है, यहाँ से खींच के इधर से इंजन को देता है, तो हमें यदि उल्टा करना है, इसको साफ़ करना है, तो यहाँ से हवा मारनी पड़ेगी और हवा को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। मैंने आपको एक कंपोनेंट एयर फिल्टर के बारे में आपको बताया कि उसको बदलने या ना बदलने से कितना नुकसान या कितना फ़ायदा है। छोटी सी चीज़ से आपकी जो गाड़ी की लाइफ है वो बेहतर हो जाएगी। सबसे पहले आपको पिकअप अच्छा मिलेगा, आपको एवरेज अच्छी मिलेगी, इंजन मजबूत रहेगा, इंजन ख़राब नहीं होगा, इंजन के इंटरनल पार्ट ख़राब नहीं होंगे। यदि हम लोग अपने आप को रोज़ नहाएं या धोएं, अपने आप को साफ़ ना करें, तो हम कितने दिन चल सकते हैं? एक दिन, दो दिन, उसके बाद तीसरे दिन तो किसी हालत में नहीं। हम यदि ब्रश ना करें तो हमारे को कितनी दिक्कत होती है पूरे दिन। ऐसे ही ये फ़िल्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है हर गाड़ी के लिए, चाहे वो बाइक है, टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, फोर व्हीलर है, कोई भी जेसीबी मशीन है, ट्रैक्टर है, कुछ भी है, जो भी ऑटोमोबाइल है जो हवा खींचता है, उसको लिए ये फ़िल्टर समय पे बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके सामने मैं एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये जानकारी से आप इसका बेहतर लाभ उठाएंगे और फ़िल्टर को समय पे बदलेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, हम लोग रोज़ बाहर 150 रुपये खाने में या दूसरी चीज़ों में खर्च कर देते हैं, तो क्या हम महीने में या दो महीने में या चार महीने में या तीन महीने में अपनी गाड़ी के लिए फ़िल्टर नहीं बदल सकते? बदल सकते ना। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और ये फ़िल्टर को टाइम पे बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गंदे फ़िल्टर को नए फ़िल्टर के साथ। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये दी हुई जानकारी आपको पसंद आएगी और इस दी हुई जानकारी से आप लाभ उठाएंगे, अपनी गाड़ी को हेल्दी रखेंगे और गाड़ी की लाइफ को आगे अच्छे से बढ़ाएंगे। थैंक यू।